हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे मोल्स के ऊपर क्वेश्चंस को, ठीक है, या फिर कह सकते हो न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो आता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने, ठीक है। अब हमने सीखा था मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब कि अगर हमारे पास मास गिवन है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, अगर नंबर गिवन है तो भी हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, कि हमारे पास जो हीलियम है उसका मास गिवन है 52 ग्राम, तो अब हम इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा टाइप है ना, कि अगर हमारे पास मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से। और फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब जो मास गिवन है वो मास कितना होगा यहां पर? 52 ग्राम। कितना हो गया? 52 ग्राम। मोलर मास का मतलब क्या होता है? कि मास ऑफ वन मोल, ठीक है। ये आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल है तो ग्राम मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जो हीलियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 4 ग्राम। तो हमने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और इसको किससे कैंसिल आउट कर देंगे? 13 से। तो हमारा जो आंसर आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम वो कितने आ गए? 4 मोल्स आ गए। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास मोलिक्यूल्स गिवन है किसके? CO2 गैस के, ठीक है। मोलिक्यूल्स है हमारे पास CO2 गैस के, मुझे क्या निकालने हैं यहां से? नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो अब ये क्या है? ये मास नहीं है ना, अगर मास होता तो पीछे कोई ना कोई यूनिट होती ग्राम या किलोग्राम की, तो ये सिंपल से क्या होगी? एक संख्या होगी। तो इसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सिंपल सा, फिर से क्या लगाऊंगा? गिवन नंबर है ना, जो नंबर हमारे पास गिवन है, डिवाइड बाई अवोगैड्रो नंबर। तो अब हमारे पास जो गिवन नंबर हो गए वो कितने हो गए? 6.022 × 10⁻²⁰ डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻²³। ये पावर कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, 10⁻²⁰ × 10⁻²⁰⁰, है ना, प्लस का था तो ऊपर, माइनस का, और जब बेस सेम होता तो पावर एड हो जाते और आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻³ मोल्स। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? इनके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, मतलब हमें क्या निकालना है? मास निकालना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब हमारे पास नाइट्रोजन एटम्स गिवन है, उन नाइट्रोजन एटम के मोल्स कितने हो गए? 0.1। अब मुझे क्या निकालना है? मास। बिग मोल्स गिवन है और मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। तो सिंपल सा रिलेशन है ना हमारे पास, क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, और मैं इस गिवन मास को डब्ल्यू मान लेता हूं, डिवाइड बाय मोलर मास। तो अब जो यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है? ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना, 0.1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 0.1 हो गए, इज इक्वल टू। अब जो गिवन मास है मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मास निकालना है ना, मास, ठीक है, नाइट्रोजन एटम का, तो वो डब्ल्यू हो गया हमारे पास मोलर मास, और नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, बट ये मोलर है तो मतलब ग्राम एटोमिक मास, तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा? मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब डब्ल्यू, और वो क्या कर देंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां से क्या आ गया? 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम आ जाएगा। तो देखो माना बिल्कुल सिंपल सा था, बस हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास वो देखो क्या कहता है। अब इस बार हमें क्या गिवन है? नंबर्स गिवन है ना, नंबर है ना, ये पीछे कोई यूनिट नहीं है, मतलब नंबर है ये, तो मुझे इन नंबर्स का मास में फाइंड आउट करना है।
अब नंबर और मास का तो कोई हमारे पास फॉर्मूला था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से भी नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और नंबर के टर्म्स में कहूं तो गिवन नंबर डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या गिवन है हमारे पास, नंबर गिवन है ना, तो गिवन नंबर मैं पुट कर सकता हूं यहां से भाई, गिवन नंबर कितने हो गए 6.022 × 10⁻²। मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है ना, तो मास मोलर मास कितना हो गया यहां से भाई, मोलर मास का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल है ना, एन टू का मास कितना हो गया, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 × 14 = 28 ग्राम। ठीक है, तो मुझे गिवन मास W निकालना है, तो यहां से क्या मतलब आ गया, W डिवाइड बाय 28 इज इक्वल टू गिवन नंबर कितने हो गए और अपॉन अवोगैड्रो नंबर कितने हो गए, कैंसिल आउट हो गया 1 पे है ना, तो W की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू 1 × 28 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 28 ग्राम, मतलब जो नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स हैं, इतने नाइट्रोजन मोलिक्यूल्स का जो मास आएगा वो मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें क्या करना है, नंबर्स निकालना है ना, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है, मतलब जो सोडियम उसका मास है 46 ग्राम, अब 46 ग्राम में नंबर कितने होंगे, तो फिर से ये क्या हो गया मास, और मुझे क्या निकालना है, नंबर, तो मैं फिर से फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और किसके इक्वल होता है ये, गिवन नंबर अपॉन अवोगैड्रो नंबर, है ना भाई। तो अब देखो जो गिवन मास है, मास कितना रखा है 46 ग्राम, मोलर मास सोडियम का पता ही है ना 23 ग्राम होता है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं, गिवन नंबर निकालने हैं, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं इसको, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये किस पे कैंसिल आउट हो गया, 2 पे हो गया। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए वो कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, तो ये 46 ग्राम जो सोडियम होगा उस 46 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्या करनी है, अब इसमें हमारे पास मोल्स गिवन है। ठीक है, अब मुझे मोल्स में क्या निकालने हैं, कार्बन के एटम्स निकालने हैं। तो जब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर, तो अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये हो गई है ना। अब मोल्स कितने हैं मेरे पास, 0.1 मोल्स है, तो गिवन नंबर डिवाइड बाय अवोगैड्रो नंबर, तो मेरे पास जो गिवन नंबर आ जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो कितने हो जाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई दिस, और आंसर क्या आ गया यहां से। ठीक है, ये अपना आंसर, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने करके देखने हैं। फिर भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो सिंपल लेवल के थे, और भी ये डिफिकल्ट लेवल के हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट पहले इनको आप अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू।